आपने लक्ष्मण जी जैसा भाई पाया। मैंने आज तक ऐसा भाई सदा भी नहीं देखा। एक मेरा भाई है जिसने अपने ही छोटे भाई की स्त्री को अपना कर मुझे ही घर से निकाल दिया। हे सखा, इस अपराध का कोई तो कारण होगा। भगवान बाली और मैं दोनों सगे भाई हैं। कुछ दिन पूर्व मुझसे एक अपराध हो गया। अपराध यह था कि एक नरभक्षी राक्षस को मारने के लिए हम दोनों भाई वनों की ओर भागे। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। मैंने कई दिनों तक गुफा के बाहर रहकर भाई बाली के आने का इंतजार किया। जब कई दिनों पूर्व भी वह बाहर नहीं आया और उनके जीवित रहने की आशा समाप्त होने लगी, तो मैंने गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और किष्किंधा चला आया। किष्किंधा की प्रजा ने मुझे वहां का राजा बना दिया और कुछ दिनों के बाद मेरा भाई बाली वापस आया तो उसने राजगद्दी पर मुझे बैठा पाकर अधिक क्रोधित हो गया। बस यही मेरा अपराध था। सुग्रीव जी, आप किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें, मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा। भगवान, मैं भी शपथ खाकर कहता हूं कि मैं सीता माता का अवश्य पता लगाऊंगा। हे सखा, मैं भी कहता हूं कि मैं बाली को मारकर ही किष्किंधा का राजा बनाऊंगा। भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सुग्रीव जी, आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जब मैं हार आएगा तो मैं अपने बाणों से उसको यमपुरी पहुंचा दूंगा। भगवान, मैं जाने को तो तैयार हूं, किंतु उसकी ताकत का मुझे पता है। कृपया करके यदि आप भी मुझे अपनी शक्ति का परिचय दे दो, मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा। सुग्रीव, तो मुझे बाली के बल के बारे में बताओ। महाराज, वह एक ही बार से तीन पेड़ों को छेद देता है। अच्छा सुग्रीव जी, तो देखिए, जितने भी पेड़ मेरे बाण के आगे आएंगे सब में छेद होगा। जय श्री राम। भगवान, आप धन्य हैं।
अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। अच्छा भगवान, मैं चाहता हूं किंतु आप पार चलाने में तनिक भी देर ना करना, नहीं तो वह दुष्ट मेरे प्राण हर लेगा। हे सखा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। महाराज प्रणाम, कल्याण हो। छोटे बहू प्रणाम,